नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूँ सुधीर गुप्ता के इस यूट्यूब चैनल में। तो आपके मन में भी उत्सुकता उठ रही होगी कि उन सीटों का क्या हुआ जो बहुत हाईलाइटेड थे, जैसे कन्नौज की सीट जहाँ से डिंपल यादव मैदान में थी, अमेठी राहुल गांधी मैदान में थे, स्मृति ईरानी साथ में थी, आजमगढ़ की बात करें अखिलेश यादव और निरहुआ मैदान में थे, संत कबीर नगर प्रवीण निषाद पार्टी के बीजेपी में शामिल होने के बाद इनको संत कबीर नगर भेज दिया गया था, मुजफ्फरनगर संजीव बालियान जो हारते हारते बच्चे शायद हार ही गए थे, रामपुर की बात करें आजम खान और जयप्रदा, गोरखपुर रवि किशन शुक्ल और रामभूपाल निषाद, सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ से मेनका गांधी और पीलीभीत की बात करें वरुण गांधी। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हम कन्नौज की बात करें। कन्नौज की सीट जो कहते हैं सपा का गढ़ माना जाता है, डिंपल यादव यहाँ से सांसद थी, लेकिन इस बार डिंपल यादव ये सीट बचाने में कामयाब नहीं रही और इनके हाथों से ये सीट चला गया। क्या हुआ, चुनाव की गिनती जैसे शुरू हुई लगभग 12 से 1 2 बजे तक ये आगे चल रही थी डिंपल यादव, लेकिन अचानक से सुब्रत पाठक धीरे धीरे बढ़त बनाते हुए आगे आए और इनको पीछे छोड़ दिया और फिर से डिंपल यादव आगे नहीं आ पाई और डिंपल यादव ये सीट अंतिम समय में हार गई और सुब्रत पाठक बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया। अमेठी की बात करें, स्मृति ईरानी पहले तो राहुल गांधी आगे चल रहे थे, शायद कांग्रेस को भी ये लगा था कि राहुल गांधी ये सीट हार जाने वाले हैं इस बार और उन्होंने इसलिए राहुल गांधी को दो जगह से चुनाव लड़ने का मौका दिया, एक वायनाड और एक अमेठी, ठीक है, और वही हुआ, स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव जीत गई। शुरुआत में राहुल गांधी बढ़त बनाए हुए थे लेकिन बाद में स्मृति ईरानी धीरे धीरे आई और इनको पीछे छोड़ के चली गई और यहाँ से चुनाव को जीत लिया। आजमगढ़ की बात करें, यहाँ से जो चीज़ फिक्स थी, यादव का गढ़ माना जाता है और मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव यहाँ से मैदान में आए और उन्होंने भाग्य आजमाने का फैसला किया। सामने थे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, लेकिन निरहुआ जो बोल रहे थे वो करने में कामयाब नहीं हो पाए और ये सीट बीजेपी आसानी से हार गया, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और यहाँ से यहाँ से जो अखिलेश यादव थे वो चुनाव आसानी से जीत गए। संत कबीर नगर की बात करें, प्रवीण निषाद का 2 बजे तक लगभग बात करें तो भीष्म शंकर और कुशल तिवारी गठबंधन के बसपा के कैंडिडेट जीतते हुए नजर आते, लेकिन अचानक से जादू की छड़ी घूमी, जिसको कहते हैं मोदी की जादू की छड़ी घूमी, फिर ये सीट प्रवीण निषाद के खाते में चली गई और लगभग 36,000 का जो फासला रहा उसके रीजन से यहाँ पर प्रवीण निषाद ने कि बीजेपी यहाँ से जीतने में कामयाब हो पाई। मुजफ्फरनगर की बात करें, संजीव बालियान जो अपोनेंट में कैंडिडेट थे गठबंधन के, उनसे 100 150 200 यही हो रहा था हर राउंड की गिनती में और लास्ट में आते आते आंकड़ा फिर भी जीत हार का फासला कम रहा, लेकिन फिर भी संजीव बालियान ने यहाँ से चुनाव किसी न किसी तरीके से जीत गए, ठीक है। रामपुर से बात करें, रामपुर से यहाँ से आजम खान और जयप्रदा के बीच मुकाबला था, जयप्रदा भी एक टाइम थी समय था जब आगे चल रही थी, लेकिन मुस्लिम फैक्टर यहाँ पे काम किया, 60% यहाँ की जो जनता है वो मुस्लिम है और यहाँ पे आजम खान आसानी से चुनाव जीत गए। नेक्स्ट बात करें गोरखपुर सीट, रवि किशन शुक्ल 7 लाख से ज़्यादा मत पाए और ये चुनाव जीत गए और लगभग 2-2.5 लाख मतों से इन्होंने अपोनेंट रामभूपाल निषाद को हराया और ये सीट फिर से बीजेपी के खाते में चली गई, फिर से इसलिए क्योंकि 2018 के उपचुनाव में यहाँ से प्रवीण निषाद ने गठबंधन का झंडा गाड़ा था और बीजेपी को हराया था। नेक्स्ट सुल्तानपुर की बात करें, सुल्तानपुर सीट और पीलीभीत सीट बहुत अजब फैक्टर है बीजेपी का, इस सिटी की अदला बदली की गई, कारण यह था कि बीजेपी के जो सीट चूज करने वाली पार्टी थी उनको लगा कि सुल्तानपुर सीट शायद वरुण गांधी के हाथों से चले जाए, इसलिए उन्होंने इन सीटों को अदला बदली कर दी और मेनका गांधी सुल्तानपुर जाके हारते हारते बच गई, जीत हार का अंतर बहुत कम था, शायद वरुण गांधी का रीजन था और शायद वरुण गांधी होते सुल्तानपुर से तो हार जाते ये कहने में आ रहा था और सही अभी तक साबित हुआ। मेनका गांधी किसी तरीके से चुनाव जीत गई, लेकिन पीलीभीत आके वरुण गांधी बहुत अच्छे खासे मतों से जीत गए। तो ये था टोटल उन सीटों के नतीजे जिन्हें आप जानना चाहते थे और अभी आप जान गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलने का, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।